हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। करवा चौथ का स्पेशल जो चल रहा है, मेकअप ट्यूटोरियल्स चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो बनाई दूँ, खासकर करवा चौथ के दिन के लिए। और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक मेकअप है जो आप देख रहे हो, यही लुक है करवा चौथ का, वेरी बेसिक मेकअप लुक जो मैंने किया है मेरे फेस पे। तो ये एक सिंपल करवा चौथ का बेसिक लुक होता है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इजी और आसानी से फटाफट से रेडी हो सकते हैं करवा चौथ के दिन में। और स्पेशल भी लगेंगे, बहुत ओवर मेकअप में भी नहीं दिखेंगे आप। तो आराम से ये मेकअप आप 10 से 15 मिनट में कर ले सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा वाला लुक चाहिए, ऐसा वाला सिंपल लुक चाहिए, तो मेरा आगे का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बेस्ट एंड चीप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, बहुत खास ब्रांडेड वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए हमारा वीडियो को हम शुरू कर ही देते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे वीडियो की ओर बढ़ेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आपका फेस वॉश कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ निविया का लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये निविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पहले आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना ही है बिफोर यू स्टार्ट एनी मेकअप ऑन योर फेस। आपका स्किन मॉइस्चराइज करना या रख लेना बहुत ज़रूरी बनता है मेकअप लगाने से पहले, तो इसे मैं अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना बनता ही है। तो अच्छे से इसे डॉट पेट्स में लगा लेती हूँ, और उसके बाद मसाज कर लेती हूँ ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। मैं क्रीम बोल रही हूँ, ये लिप बाम है, तो यही भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपका लिप्स मॉइस्चराइजिंग होना बहुत ज़रूरी बनता है बिफोर यू अप्लाई लिपस्टिक। तो उसमें जो भी डेड स्किन रहता है वो सभी निकल के आ जाता है, तो मेकअप शुरू करने से पहले लिप का भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। अब मैं लेने जा रही हूँ लोटस का सन टैन क्रीम है, ये मैट फिनिश का है, ये 3 in 1 काम कर देता है। इसमें प्राइमर का भी हो जाता है, फाउंडेशन या मैट पाउडर, जितने भी ये 3 in 1 का काम हो जाता है तो मैं ये लगाती हूँ। ये मेरा एवरीडे रूटीन का मेकअप सन टैन क्रीम है ये, तो जहाँ जहाँ डार्क एरियाज़ रहता है मैं ज़्यादा लगाती हूँ, डॉट्स लगा देती हूँ पहले और जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर ज़रा लेट करेंगे तो ये सूख जाएगा और पैचेस दिखने लग जाएगा, तो इसे जल्दी से डॉट्स लगा के मैं जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ फिंगर की हेल्प से ही। आप देखोगे मसाज करने के बाद या ब्लेंड करने के बाद कितनी फ़र्क नज़र आएगी मेरे फेस पे। इसके बाद प्रीमर, फाउंडेशन, मैट पाउडर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। लगता है कि ऊपर मेरे को भी
अगर आपको चाहिए तो ये लोटस का सेफ सन टैन क्रीम है, ये मैट लुक का मैट फिनिश क्रीम है ये। काजल कोलोसल का करना और अभी भी यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मेरा कंफर्ट जोन का लेवल जो है अच्छा है, तो मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ तो मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से इजी से सेट हो जाता है। और यहाँ मैं ज़रा सा बोल्ड लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रा मोटा ही लगा लेती हूँ और विंग स्टाइल में नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल आई लाइनर की शेप में ही लगा रही हूँ। बहुत ईजी बन जाता है एक्सपेक्ट।
लेकिन आज मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं डार्क शेड वाला पेंट यूज करती हूँ, क्योंकि कितना अच्छा है कितने वाले फेस पे और कितना अच्छा बनता है मेरे फेस पे। फाइनल लुक के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा दोस्तों? ऑरेंज विद ग्रीन कॉम्बिनेशन। साड़ी भी पहन सकते हो, लेकिन मैं यहाँ अनारकली ड्रेस पहनी हूँ। कुछ लोग अनारकली भी प्रेफर करते हैं इस दिन पे, तो एज अ बिगिनर आप ये भी ट्राई कर सकते हो इस लुक को भी। अब चाहे तो ईयरिंग्स भी चेंज कर सकते हो, ईयरिंग्स अकॉर्डिंगली कौन सा सेट होता है वो भी पहन ले सकते हैं। ये मेरा सेकेंड ईयरिंग्स है, इसके साथ भी जमता है, तो मैं ये भी शो कर रही हूँ आपको। तो देखिए ये भी कितना अच्छा दिख रहा है इस पर। आप क्लिप भी कर सकते हैं आपके बालों को। ये लुक है फ्री हेयर्स के साथ, ऐसे भी जम जाएगा। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसा आप लगा लीजिए सकते हैं।